मतलब हम किचन में जा रहे हैं, 6 बज रहे हैं और अफ्तारी बना रहे हैं। अहमद जो है फ्रूट चाट बना रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब सारे जो आइटम्स हैं फ्राई करने के लिए। सही चॉकलेट कस्टर्ड मैंने बनाया हुआ था पहले और पिंक कस्टर्ड है जो अनाया के लिए बना हुआ है। बेसन भी जो है मैं भिगो के गई थी, बस अब सब्जी वगैरह काट के और बनाते हैं पकौड़े। नहीं मेरे से लड़ाई है तुम्हारी, मैं नहीं बात करती। नो चलो खाना खा लो बाहर आओ। समोसे हैं, रोल है, मैक्रोनी बना रही हूँ और क्रैकर्स। चलो बैठो, मैं इतना नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लग रहा है, यहाँ हमने मिर्चें जो है काट ली है और यहाँ हमने चीज़ को कट कर लिया है और वहाँ अंदर चिकन जो है वो गर्म हो रही है। पिज़्ज़ा खाते हम लोग, देखो कितना अच्छा। हेलो ना, तुम क्या खा रही हो? पिज़्ज़ा। क्या इसमें क्या है? चलो जिससे खाने में वो बैठ जाए, जल्दी आओ ना यार, तुम लोग देव आओ। अच्छी बात है। बस जरूरत नहीं है, छोड़ दो। हेलो वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ा लंबा दिन हो गया है आज का, और क्योंकि जब बाहर जाना हो, घर के बाहर थोड़ा सा काम हो, तो रमज़ानों में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आके फिर जो है आप अफ्तारी मैनेज करें और चीज़ें मैनेज करें। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैनेज भी हो गई और हो ही जाता है।
तो बस आजकल नींद नहीं हो रही क्योंकि रूटीन कुछ ऐसी है कि बच्चे नमाज के बाद फजर की सोते हैं क्योंकि इनके पेपर्स हैं ईद के फौरन बाद, तो उस वजह से जो है रात में पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है सहरी, सहरी के बाद फिर नमाज, नमाज के बाद जो है ये लोग सोते हैं। तो जब तक तो खैर मेरी नींद ही उड़ चुकी होती है और इतना मैं एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती उस वक्त, लेकिन ये कि जो भी एक दो घंटे मुझे मिलते हैं सोने के लिए उसमें मैं अपनी नींद पूरी, क्योंकि मुझे वो वाला मैं मसला नहीं है मेरे साथ कि मुझे 7-8 घंटे की नींद चाहिए। मैं क्योंकि इंटरनेशनली भी काफ़ी काम कर चुकी हूँ बाहर जाके और बड़ा टफ जो है मेरा शेड्यूल रह चुका है लाइफ का, तो मुझे अगर आधा घंटा भी मिल जाए तो मैं उस चीज़ को जो है मैनेज कर लेती हूँ कि बस मुझे आधे घंटे का भी नैप मिल जाए तो फिर मैं चीज़ें कवर कर लेती हूँ। लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होती है और बंदा एग्जॉस्ट होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो ही जाती हैं। तो बहरहाल मुझे अब इजाज़त दें और क्योंकि मुझे सोना है और इस ब्लॉग को भी एडिट करना है, तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में हम आपसे मिलेंगे। और प्लीज़ जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने रिव्यूज़ दें। इतनी अच्छी अच्छी जगहें हम आपको दिखाते हैं, इतना अच्छा अच्छा फूड हम आपके सामने बनाते हैं, तो हमें थोड़ा अप्रिसिएशन तो चाहिए होती है। तो बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। एक नए ब्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह।